हेलो स्टूडेंट, नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक आपने अभी भी आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट का यूज करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाता है, जैसे वह स्कूल कभी नहीं जाता है, मैं तुम्हें कभी नहीं मारता हूं, इस तरह का सेंटेंस जब आएगा तो उसके लिए नेवर का यूज करते हैं। रूल्स ऑफ नेवर, इसका यूज क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नेवर का यूज करना होगा, नेवर के बाद वर्ब फर्स्ट में एस या एस एड करके फिर ऑब्जेक्ट लिखना होगा। सिंगल सब्जेक्ट है एस या एस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मान लीजिए अगर सब्जेक्ट सिंगल नंबर है तो उसके वर्ब में एस या एस एड करके लिखना होगा। एंड प्लूरल सब्जेक्ट है ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो सिर्फ वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे, उसमें एस या एस एड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा, वह कभी नहीं झूठ बोलता है। इस सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे पहले ही, इसके तुरंत बाद नेवर का यूज करेंगे, ही नेवर, नेवर के बाद वर्ब। वर्ब क्या है? बोलना, जिसकी इंग्लिश होती है टेल। ठीक है, टेल, और टेल में आपको एस एड करना पड़ेगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है, इसलिए ही नेवर टेल्स और उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लाइ, ही नेवर टेल्स ए लाइ। द सेकेंड एग्जाम्पल, तुम मुझे कभी नहीं मारते हो, मतलब मारने का मतलब पीटते हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम, जिसकी इंग्लिश होगी यू। यू के तुरंत बाद नेवर का यूज करेंगे, नेवर के बाद वर्ब फर्स्ट, बीट, बीट में एस या एस एड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल नंबर है, इसलिए बीट में एस या एस एड नहीं करेंगे। बीट के बाद आप ऑब्जेक्ट के अंग्रेजी लिखेंगे मी। इस प्रकार आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन, यू नेवर बीट मी। इन दिस वे थ्रू दिस रूल यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस ए लॉट ऑफ सेंटेंस एंड लर्न ए लॉट ऑफ अबाउट द प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस। थैंक यू सो मच।